हेलो फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू गाइज डूइंग वेल। गाइज, आज का मेरा प्लान था तालकटोरा गार्डन को विजिट करने का, बट यहाँ पे मैं आया जब घूमने के लिए तालकटोरा गार्डन, तो यहाँ पे एक तालकटोरा स्टेडियम भी है, चेक करें आप। तो मैं इसे पहले एक्सप्लोर कर लेता हूँ तालकटोरा स्टेडियम को। अंदर में कुछ गदका का कुछ टूर्नामेंट वगैरह हो रहा है, तो उसे मैं अभी एक बार एक्सप्लोर करके फिर मैं चलूँगा गार्डन, देखूँगा कैसा है। दिल्ली को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, आई डोंट नो व्हाई, बट अभी यहाँ पे बिहार वार से झारखंड हो रहा है, तो आप चेक करें एक बार। It's all about humanity. गाइज, मैंने तालकटोरा स्टेडियम को एक्सप्लोर किया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। लकली अंदर टूर्नामेंट भी हो रहा था, तो अभी सामने पार्क है, तो चलते हैं पार्क को एक्सप्लोर करते हैं। और ये गार्डन का जो एंट्री है, ये लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गौतम गंभीर जी के जस्ट घर के सामने से ही एंट्री है, तो चलते हैं अंदर। गाइज, मैं आपको बताता चलूं कि इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा। और यहाँ पे कुछ चेक कर लें आप, कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह है पार्क के लिए, कुछ नियम कानून होते हैं सब जगह के, तो यहाँ पे भी बनाए गए हैं, तो आप मेट्रो से ऑटो वगैरह लेके इस जगह तक आ सकते हो ईजली, और इसका कोई भी चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और गाइज, मैं इस तालकटोरा गार्डन की बात करूं तो ये काफ़ी पुराना गार्डन है, मुग़ल टाइम का ये गार्डन है, जिसे वाटर टैंक के लिए यूज़ किया जाता था, और स्विमिंग पूल। वाटर टैंक मतलब कुछ वाटर स्टोरेज के लिए इस जगह को यूज़ किया जाता था मुग़ल टाइम में। और स्विमिंग पूल अभी भी है गाइज, आगे सर ने बताया था गार्डन कल ने कि आगे कहीं पर आप जाते हो उस साइड में, तो वहाँ पर आपको स्विमिंग पूल भी मिलेगा। गाइज, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ गार्डन में, तो यहाँ पर आई थिंक ये बोनसाई गार्डन लग रहा है मुझे देखने में। देखिए आप, छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जिसे पार्क को डेकोर करने में यूज़ किया जाता है इन पौधों का, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। और ये अगेन यहाँ पे चेक करें, यह QR कोड है, आपको मिल जाता है, पौधे का नेम मेंशन है, ये आई थिंक वही कमंडल ट्री है ना, चेक करें आप, जो पपाया टाइप का फल होता है, काफ़ी अच्छा है। QR कोड स्कैन करके आप सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। आप अभी देख सकते हो गाइस, ग्रीन शेड्स के नीचे भी पौधों को रखा गया है, क्योंकि ये ज़्यादा धूप में भी बर्दाश्त न कर पाए, इसी वजह से इन्हें छोटा अभी ग्रो किया जा रहा है। बाकी गार्डन में थोड़ा सा मौसम जब अच्छा होता है तो उसे लगाया जाएगा उस जगह पे। देख सकते हो गाइस, यहाँ पे बीज डाली जा रही है इस एरिया में, जिसमें फूल जब हो जाएंगे छोटे छोटे, और जब मौसम बढ़िया होगा तो इस जगह से निकाल के गार्डन में लगाया जाएगा, काफ़ी अच्छा है। ये देखें, इसके ऊपर भी पौधे वगैरह लगाए जाते हैं। चेक करें यहाँ पे एक और बोनसाई का मुझे छोटा सा शेड्स दिखता है, देखें कितना प्यारा लग रहा है। ये देखें कैक्टस, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कैक्टस हैं गाइस, चेक करें आप, ये देखें गोलू गोलू कैक्टस, अंदर देखें काफ़ी अच्छे अच्छे कैक्टस, वाओ ब्यूटीफुल, बहुत प्यारे। यहाँ पे भी देखें बाहर में, काफ़ी सुंदर, यहाँ पे सारा पार्क को काफ़ी अच्छे ढंग से नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश की जा रही है।
गाइस काफ़ी अच्छी हवा चल रही है और मैं आपको एक और हिस्ट्री बताता चलूं कि बैटल ऑफ दिल्ली 1737 में जो हुई थी मराठा और मुगल्स के बीच में, वो इसी जगह पे हुई थी गाइस, और यहाँ पे मराठा ने मुगल को हराया था, बैटल ऑफ दिल्ली। गाइस मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ बीच में सारा सेंटर में फाउंटेन का सारा एरिया बना हुआ है, बट फाउंटेन अभी चल नहीं रहा है। देखिए आप एक बार चेक करें कितना प्यारा है। और इसके अंदर गाइस पानी है, देखें आप, पानी इसके अंदर है, वाटर का रिफ्लेक्शन आप देख पा रहे हो। यहाँ सामने जो ये है इसके अंदर भी पानी अभी भी है, बट फाउंटेन नहीं चल रहा है। और यहाँ साइड में गाइस यहाँ पे फूल पौधे लगाए जाते हैं, क्योंकि मौसम अभी थोड़ा सा, अभी कुछ दिन में अच्छा हो जाएगा, तो इस जगह पर सारा डेकोर किया जाएगा, अच्छे अच्छे फूल लगाए जाएंगे साइड में, जो काफ़ी इस जगह को खूबसूरत बनाएगा। और ये देखें, ये दसबजिया एक पौधा होता है जो इस पर लगाया गया है, ये खिलता है। अभी मौसम थोड़ा सा गर्म है ना, इस पर भी पौधे लगाए जाते हैं, हार्ट शेप दिया गया है, और इस पर पौधे लगा दो आराम से, वो पूरा फूल जब खिलता है, फूल का जब मौसम होता है, तो वो काफ़ी प्यारा लगता है। ये भी पेड़ काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखिए आप एक बार। गाइज मैं डेकोरेशन की बात करूं तो इस पार्क में तो क्राउड काफ़ी कम है, स्टेडियम के वजह से थोड़ा सा ये पार्क पॉपुलर हो चुका है, बट फिर भी क्राउड काफ़ी कम है। तो इस जगह पे आप आ सकते हो, विज़िट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे ढंग से मेंटेन किया जा रहा है इस पार्क को। It's all about humanity. अगर बारिश वगैरह होती है तो यहाँ पे शेड्स भी दिए गए हैं, तो इस जगह पे आप थोड़ा सा, बारिश हो या ज़्यादा धूप अगर होती है, तो इस जगह पे आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। चला गया डॉगी। गाइस गार्डन के अंदर ही मैं घूम रहा था, तो घूमता घूमता मुझे एक स्टेडियम यहाँ पे मिला। भैया बता रहे हैं कि ये स्टेडियम है, दिखाता हूँ मैं आपको अंदर से। ये बुक किया जाता है डेली का, इसमें 12,000 का चार्जेस है, ये क्रिकेट के लिए बुक होता है ये ग्राउंड। देखें आप, यहाँ पे लाइट वगैरह भी लगी हुई है, तो आप अगर दिल्ली में हो, आपके पास स्पेस नहीं है, आप थोड़ा प्रोफेशनली अगर गेम खेलना चाहते हो क्रिकेट, तो यहाँ पे पिच वगैरह बना हुआ है, आप इस जगह पे बुक करके गेम प्ले कर सकते हो आप। काफ़ी अच्छा है, देखें बहुत ही प्यारा, 12,000 ओनली। और अगर रात हो जाता है, अगर ये लाइट अगर आप यूज़ करवाओगे, तो इसका 2,000 रुपया एक्स्ट्रा पे करना होगा। अच्छा है, स्पेस भी काफ़ी बढ़िया है। काफ़ी सुंदर सा एक पेड़ दिखा है, चेक करो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये किस चीज़ का पौधा है। देखें आप कितना प्यारा लग रहा है ये। दो बच्चे मिल गए क्रिकेट खेलते हुए, चलो बॉलिंग करो। और ये बॉलर ने बॉल किया और ये कैच छूट गया, कैच मिस कर दिया बच्चे ने। काफी अच्छा है, मारो जोर जोर से। अब बैट का वो कहाँ गया, हैंडल, विदाउट हैंडल का बैट है गाइज। चलो बॉलिंग करो,
बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं बच्चे, काफ़ी अच्छा। धूप तो हो रखा है, 11 बजने वाला है, बट पेड़ पौधे इतने ज़्यादा हैं कि पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी, बिल्कुल ठंडा ठंडा है। गाइज मैं चलता चलता अभी थोड़ा सा दूर आ गया हूँ, यहाँ पे चेक करें, काफ़ी बड़ा और काफ़ी पुराना आई थिंक ये बरगद का ट्री है। गाइज देखें आप कितना बड़ा है, कितना विशाल इसे घेर के रखा गया है, बिल्कुल देखें आप ऊपर, वाह काफ़ी बड़ा है, बट उतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि इसका ये चेक करो, ये जब बड़ा बड़ा हो जाता है ना काफ़ी ज़्यादा नीचे तक, पहले हम लोग बचपन में इसमें झूला झूला करते थे, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, नीचे तक ज़्यादा है नहीं। It's all about humanity. पत्तों को जलाएं नहीं बल्कि ज़मीन में दबाएं। देखें आप सारी इन्फॉर्मेशन गाइस यहाँ पे लिख दी गई है, और जो भी यहाँ पे पत्ते वगैरह गिरे हुए हैं और ये पार्क में जो भी सफाई वगैरह होती है, जो भी बर्निंग पत्ते होते हैं, उन्हें बर्न नहीं किया जाता है, लाके इस जगह पे स्टोर किया जाता है, जो धीरे धीरे इस जगह पे रह के उसको गड्ढे में डाल के थोड़ा सा खाद के रूप में भी वो आई थिंक यूज़ किया जा सकता है। गाइस मैंने आपको स्विमिंग पूल के बारे में बताया था कि ये पुराने टाइम में टैंक और स्विमिंग पूल था, तो स्विमिंग पूल ये चेक करें आप, इससे बाउंड्री के उस पार है, वहाँ स्विमिंग पूल का ये सारा एरिया है, यहाँ से बाउंड्री लगी हुई है, स्विमिंग पूल है, स्केटिंग वगैरह सब कुछ होता है अंदर में, गवर्नमेंट का है। देखें कभी मौका मिला तो अंदर जाएंगे हम, थोड़ा सा स्लोप एरिया है, ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर से एक बार व्यू लेते हैं, मज़ा आएगा। यहाँ पर जुआ खेलना मना है, प्लीज़ गैमलिंग ना करें। थोड़ा सा एक टूटा हुआ मुझे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, It's all about humanity. गाइज मैं ऊपर आ गया हूँ, काफ़ी अच्छा है, इसे भी थोड़ा सा रिनोवेट किया गया है, देखें आप थोड़ा सा इस पर काम किया गया है अंदर से, बाकी जंगल मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस ऊपर से मैंने देखा, काफ़ी अच्छा था जंगल, बहुत ही ज़्यादा जंगल नुमा स्ट्रक्चर, और सर से मैंने पूछा, एक सर थे अभी, तो उन्होंने बताया कि इसे पूरा घेर कर रखा गया है। देखिए हम नीचे सारा जंगल है, तो ऊपर से मैंने देख लिया है गाइज, यहाँ पे देखें कुछ नेम वगैरह भी मेंशन है, लव बर्ड्स आते हैं तो नाम वगैरह तो लिखना ही होता है, तो अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हमें मिलती हैं देखने को। अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा धूप हो गया है, बट कोई नहीं, अभी धूप का टेम्परेचर पहले के मुताबिक बहुत ही कम हो चुका है। स्ट्रक्चर तो गाइस ये बैटल ऑफ दिल्ली थी पहले के टाइम की, पहले के टाइम का कुछ और ही स्ट्रक्चर रहा होगा, टैंक था, स्विमिंग पूल था, ये देखें ये कुछ डिस्ट्रॉयड स्ट्रक्चर है, यहाँ पर चेक करें आप, पहले के टाइम में आई थिंक कुछ ये बना रहा होगा, वहाँ देखें वो मीनार नुमा स्ट्रक्चर, ये चेक करें ईंटे की पतली पतली जो ईंटें होती हैं उसका ये बनाया गया है, काफ़ी अच्छा है। और एक बार मैं आपको दूर से स्विमिंग पूल भी दिखा देता हूँ, चेक करें आप, वहाँ सामने है काफ़ी बड़ा, ये भी कोई स्टेडियम टाइप का ही लग रहा है देखने में, देखें आप
यहाँ से एक बार मैं नीचे सारा जो फाउंटेन का एरिया था वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, कितना प्यारा लग रहा है देखने में। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा यहाँ का। थोड़ा सा धूप हो गया, सुबह में ही मैं आया था चेक करें फ्लावर, बट सुबह में मैं वहाँ चला गया था ना स्टेडियम में, वहाँ पे थोड़ी देर बैठ गया बच्चों के साथ। तो यहाँ पे भी उसी तरह का सेम गुंबदनुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो एक बार इस साइड भी चढ़ के देखते हैं। वहाँ हवा चलने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। It's all about humanity. Again, love words. Here, सब जगह पे है जंगल, देखें आप एक बार यहाँ से। It's all about humanity. यहाँ पे बैठने में तो गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नेचर के करीब मैं फील कर रहा हूँ। ये देखें पौधे, नीचे सारे पौधे, हवा इतना बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो बैठते हैं तो नीचे सारा गंदा फैलाते हैं, ये देखें खा खा के, ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। और अपने बैग में लेके जाओ वापस। काफ़ी अच्छे अच्छे बर्ड्स भी यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे, फ़ोन में तो कैप्चर ही नहीं हो पाएगा, बहुत अच्छा है। पहले के टाइम का आई थिंक जैसे कुछ गेट वगैरह रहा होगा। ये देखिए यहाँ से ये ऐसे सारा गया हुआ है रास्ता इस साइड। पहले के टाइम का ये बहुत ही बड़ा एरिया था, बैटल हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया। गाइज उस साइड जैसा था ना ये तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी है। बड़ी साइड देखें, इस एरिया को खोल के ओपन रखा गया है। बाकी उस साइड में था वहाँ पर वॉल दे दिया गया था। इधर थोड़ा सा आई थिंक यहाँ पे कम ही जंगल होगा, ज़्यादा दूर तक ये एरिया फैला हुआ नहीं होगा। यहाँ से बाउंड्री भी लगा हुआ है ना, इसी वजह से मे बी सेफ्टी होगा। यहाँ पे चेक करें क्या है, जेल है या काल कोठरी होगा, कोई आइडिया नहीं है। देखिए आप यहाँ पे बर्ड्स के लिए, डॉग्स के लिए। यहाँ पे ताल कटोरा को इसका नाम शीर्षक पहाड़ियों से घिरे एक ताल तालाब से मिला है, जिससे कि इसका आकार एक कटोरी के जैसा प्रतीत होता है। यह विश्वास है कि इस तालाब के बगल में एक बगीचे का निर्माण मुगल बादशाह मुहम्मद शाह 1719-1748 ईस्वी में शासनकाल में किया था। बाकी सारा इन्फॉर्मेशन है, देखें आप, ब्यूटीफुल फ्लावर ट्री। चलते हैं अभी यहाँ से नीचे गाइज, काफ़ी अच्छा रास्ता बना हुआ है नीचे जाने का भी। यहाँ पे चेक करिए गाइज, एक छोटा सा बैडमिंटन कोर्ट भी बनाया गया है, बच्चों ने आई थिंक बनाया होगा इस जगह पे। तो आई थिंक मॉर्निंग में या इवनिंग के टाइम में आप आके गेम भी प्ले कर सकते हो इस जगह पे। चेक करें यहाँ पे फाउंटेन अगर चलता तो कितना अच्छा, एकदम बड़ा सा फाउंटेन, एकदम ब्यूटीफुल सा व्यू होता, बहुत ही अच्छा। बट क्या कर सकते हैं, चल नहीं रहा ये। सुरताल ओपन थिएटर मुझे दिखता है, इसका रास्ता यहाँ से जा रहा है, तो एक बार अंदर चल के देख लेते हैं कैसा है। बिल्कुल लाल लाल दिख रहा है, सुरताल ओपन थिएटर मैनेज्ड बाय NDMC। और गेट लॉक से रखा गया है यहाँ पे, देखें आप गेट लॉक है। बाकी आई थिंक ये देखें आप, यहाँ पे सारा सिटिंग एरिया बना हुआ है, यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस वगैरह होगा तो आप बैठ के अपना इंजॉय कर सकते हो, किसी भी तरह का परफॉर्मेंस वगैरह ऑर्गेनाइज हो जाता होगा। बट अभी आई थिंक बहुत दिनों से हुआ नहीं है क्योंकि सारा बिल्कुल गंदा है। तो गाइस अब चलते हैं यहाँ से बाहर, एग्जिट होते हैं। यहाँ पे चेक करें, इस छोटे से एरिया में थोड़ा सा फ्लावर का डेकोरेशन किया गया है, इस जगह पे लगा हुआ है थोड़ा सा इस एरिया में फ्लावर, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। बट ये सिंपल सा ही फ्लावर है,
तो चलते हैं गाइज, अब यहाँ से एग्जिट होते हैं। गाइज मैंने ताल कटोरा गार्डन को एक्सप्लोर किया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ सकते हो मॉर्निंग के टाइम में, गार्डन को सारा एक्सप्लोर कर सकते हो। काफ़ी अच्छा छोटा सा है, काफ़ी सुंदर बना हुआ है, तो आप भी आएँ जरूर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, इन्जॉय करें। और ये जस्ट गाइज गेट नंबर 30, जो राष्ट्रपति भवन का जो गेट नंबर 30 है उसके जस्ट अपोजिट साइड से भी इसका एंट्री है, तो यहाँ से भी आप आ सकते हो। तो गाइज आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।